कैसी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह के करम से ठीक ठाक होगी। वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब, ठीक ठाक ही होंगे। तो जी आज है एक और गुड न्यूज़ आई है, जो भी है एनीवे। लेकिन सबसे पहले होगा ब्रंच, क्योंकि आज हम नाश्ते के लिए हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट। ईमान निकली है यूनी के लिए तकरीबन 11 बजे और अभी बज चुके हैं 12। तो आमर घर से काम करते हैं, आपको पता है डे वीक में एक दिन उनके दिन कर देने, यही तो दसांगी। तो आमर कर रहे हैं घर से काम आज, और मैं भी अभी तक घर ही हूँ, क्योंकि मैंने जो 2 वीक ईद की छुट्टियां ली थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई, तो मैं भी अभी घर पे ही हूँ। तो आज है जी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल हो गए हैं हमारी शादी को आज। तो सबसे पहले मैं ब्रंच बनाऊंगी, क्योंकि नाश्ता तो उनका ना उन्होंने फजूल है, क्योंकि नाश्ता जेड़ा है और नाश्ते का टाइम जो है वो निकल चुका है। तो अब मैं बनाऊंगी फटाफट से ब्रंच, जो कि मैंने सोचा कि क्या बनाती हूँ, चले सबसे पहले वो बनाती हूँ। और उसके बाद मुझे मिल चुका है मेरा बिस्मिल्लाह वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट। तो ये आप लोगों के सामने आराम से सुकून से नाश्ते के बाद, सारी घर की क्लीनिंग करने के बाद आराम से सुकून से बैठ के मैं खुद भी देखूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कि इसके अंदर क्या, कोई आइडिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आमर को भी चीज़ें ना अब स्लोली छुपाना आ गई है कि कैसे। ये नॉर्मली मेरा डिपार्टमेंट था, मैं नॉर्मली गिफ्ट ला के छुपाती थी, लेकिन शायद आमर को भी अब आदत पड़ गया। लेकिन चले सबसे पहले चलते हैं कुकर की तरफ जाके, तो ब्रंच रेडी करते हैं, फिर उसके बाद तसल्ली से सुकून से अंदर जाके बैठ के तो मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूंगी अपने वेडिंग एनिवर्सरी के गिफ्ट की। जो मैंने लिया था वो मैंने आपको दिखा दिया था, हाफ दिखाया था, फिर मैंने उसका अच्छा सा एक वो हैम्पर बनाया, वो फिर मैंने आमर को दे दिया था। मैंने तो रात को भी दे दिया था, 12 बजे काम खत्म किया था। तो चले हाय अल्लाह साहब ही चढ़ गया। तो चले चल के सबसे पहले ब्रंच करते हैं, फिर उसके बाद जो है मेरा तो आइडिया ये था कि आमर को बोलती हूँ कि चलो अब थोड़ी आपकी ब्रेक का टाइम भी हो गया होगा, 1 घंटे की ब्रेक लें और कहीं बाहर जाके ब्रंच लंच जो भी है कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तो मैंने कहा चलो फिर घर में ही कुछ बनाते हैं। तो चले मैं सबसे पहले जाके वो बनाती हूँ, फिर उसके बाद अंदर जाके आप सबको बताऊंगी कि क्या मिला है मुझे गिफ्ट। तो आइए बनेगा स्पेशल किस्म का, क्या उसको कहते हैं, आमलेट। तो उसके लिए मैंने छोटा सा प्याज लिया है, एक हरी मिर्च लिया है, टमाटर, ज़्यादा सारा हरा धनिया, अब जाएगा नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ रही थी तो बीच में आ गया मेरी चाची का फ़ोन, तो वो सुनने लग पे तो फिर कैमरा कितना बंद। तो अभी इसमें डाल लेंगे मिर्च, हरी मिर्च भी डाली हुई है तो थोड़ी डालूंगी, नहीं तो आमन ना फिर मिर्चा लगनिया शुरू हो जाएंगी, सेंसिटिव है, कम मिर्चें खाते हैं ये। तो बस जी अब इसको पहले करेंगे मिक्स। तो जब भी आप आमलेट बनाएं, भावें सादा बनाओ तो भावें ऐसे दे लो आजमात पा के बनाओ, हल्का सा अंदर उसके दूध डाला हो ना तो फिर वो मिर्चों की फुटकरी नहीं जमती, जैसे मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ था। तो अब देखें हर मिर्चें कितनी अच्छी सी मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 अदद अंडे, क्योंकि मैंने और अमन ने खाना है तो 2 अंडे तो खाओगे ना, तो 4 अंडे इसके अंदर डालते हैं जी। 4 अदद अंडे डालिए, बिल्कुल अच्छे से फेंकते हैं और फिर पैन में डालते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल कर लिया, मैंने यहाँ पर टोस्ट बटर ब्रेड के ऊपर भी बटर लगा के रख लिया, इनको भी आज पैन में गर्म करेंगे, टोस्टर में नहीं बनाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से अंडा फेंक लूँ, इस टोस्ट का भी अपना ही एक मज़ा है, पाकिस्तानी टोस्ट बनाने का भी। देखें जी यमी यमी आमलेट हमारा रेडी है, इसको चाहे तो फ्लिप कर लें। अब देखती हूँ कि इसको मैं ऐसी प्लेट में निकालती हूँ, उनमें हमारे ब्रेड के 4 पीसेस भी बन चुके हैं, 3 बन गए, एक इधर पड़ा हुआ है। तो बस तो हम करते हैं नाश्ता, ब्रंच है, नाश्ता तो नहीं है ब्रंच बोलूँगी इसको मैं, 12 बज चुके हैं, डिसाइड ही नहीं हो रहे ऐसे की खाना। तो चलें जी नाश्ता करके मिलती हूँ। तो जी जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा जो ट्राईपॉड था वो कल टूट गया, पता नहीं कैसे गिरा, कोई समझ नहीं आई, कुकिंग कर रही थी मैं, ऐसे शॉप से कुछ लेने के लिए मुड़ी हूँ, आपने सबका वीडियो में देखा है कि वो कैसे गिरा, फोन मेरा ऊपर ये लगा हुआ था, शुक्र है फोन बच गया, नहीं तो iPhone 13 Pro की वो जानी थी ना, लेकिन बच गया फोन। तो एनीवे इस गिफ्ट को खोलते हैं ब्रंच अलहमदुल्ला
हाय अल्लाह इरम किन्ना तो बोल दी। ब्रंच जो है वो मैंने कर लिया। आमर की पैकिंग पे ना जाइएगा, कोई गल नहीं, गिफ्ट देखते हैं पैकिंग दा की है। तो जी सबसे पहले कार्ड खोलूंगी। कार्ड को खोलते हैं कि कार्ड के अंदर क्या है, कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। दैट्स नाइस, कार्ड तो बड़ा अच्छा है। कार्ड के अंदर भी कुछ है जी, मनी मनी भी है कार्ड के अंदर। तो ये मैंने मुझे एक और सूट के पैसे दे दिए हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे पैसे लेना अच्छे नहीं लगते। तो ये सूट के पैसे हैं जो कहते हैं कि मैं नहीं लेके आया। दैट्स सो नाइस। तो ये है जी मेरा वेडिंग एनिवर्सरी का कार्ड, पैसे हो गए। तो अब ये खोलती हूं कि इसके अंदर क्या परफ्यूम होगा जो कि मुझे लग रहा है। आई कांट बिलीव न्यू फोन। थैंक यू अमा। तो ये है जी आईफोन 15 प्रो मैक्स। बड़ा ही सेटिस्फाई है जब इसको खोलते हैं ना, तो वो बड़ा सेटिस्फाई है। चलें जी अब इसकी सील्स खोलते हैं, फिर अंदर देखते हैं। जब इसको खोलते हैं तो बड़ा सेटिस्फाई फील होता है। ये देखिए सील्स को जब खोला जाता है, मेरे इस फोन जैसा ही है लेकिन बड़ा है। वाव, देखेंगे ब्लैक टाइटेनियम, वेरी नाइस। तो यहां से भी वाह, रियली नाइस। देखिए जी पहला भी मेरा सेम ही है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा मैं करूं, हाँ थोड़ा सा लंबा है उसके साथ अगर करती हूँ तो। अभी फिर वापस से वीडियो, लेकिन ये भी आईफोन 13 भी बहुत गुड फोन है। तो इसको अभी मैं वापस लगा देती हूँ ऐसे ही, और हस्बैंड हो तो जी ऐसे। तो अभी प्लग श्लग तो ये कोई नहीं साथ देते, तो पिन है साथ में और वायर है साथ में। तो ये हो गया जी मेरा एनिवर्सरी का, वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट। मुझे तो जी बड़ी खुशी हुई है अपना गिफ्ट देख के। ये देखे जी एनी वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट, वाह। तो चले जी मुझे बड़ी खुशी होगी है। अब मैं इसको देखती हूँ कि ये चार्ज है कि नहीं, जो भी होगा सेटिंग करते हैं, उस फोन से सारी चीजें इसमें ट्रांसफर करते हैं, और फटाफट से अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी फोन से आएगी। वो भी आज ही हो रही है क्योंकि वो भी आप मैं यूज ही आईफोन करती हूँ, तो वो भी कोई इतना पुराना नहीं था, उसको भी मुझे एनीवे जब वो आया था वो लिया था। अभी लेटेस्ट जो था ये था प्रो मैक्स। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे बोला कि अब मैं नेक्स्ट लूंगी 15 प्रो मैक्स, तो वो मेरा 13 प्रो मैक्स है जिसपे अभी वीडियो आप देख रहे हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, मैंने ना ऐसे ही बोला, मेरे ख्याल से रमजान में ऐसे ही एडवर्टाइज आए, तो मैंने बोला माय गॉड लुक एट द कलर ब्लैक। तो आमन ने वो मेरे ख्याल से इधर सोए नहीं हुए थे, सुन रहे थे। तो ये हो गया जी मेरा फोन न्यू। थैंक यू सो मच आमा। तो चलें जी अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। अपनी दो में याद रखिएगा, मेरी दो में आप हर वक्त मेरे साथ होती हूँ। लव यू माई फैमिली, अल्लाह।